नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण जिले में या यूँ कहें बिहार का एकमात्र कबीर स्तंभ जो है यहाँ पे मौजूद है। ये कबीर आश्रम है और एकमात्र जो है कबीर स्तंभ वहाँ सामने आप देख रहे हैं। ये पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी प्रखंड के बेलबतिया में स्थित है, पंडितपुर पंचायत के बेलबतिया में स्थित है। और इस समय हमारे साथ जो है, इस समय मैं उस मठ जो है, ये जो पुराना मठ का एक मंदिर है और उसके दूसरे बिल्डिंग पे मैं हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे साथ इसके संरक्षक जो हैं, का बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। त्रिपुरारी जी, हम मुझे ये बताया जाए कि ये जो कबीर स्तंभ है इसका क्या इतिहास है? जी, ये सदगुरु कबीर साहब के नाम से ये कबीर स्तंभ है जी। ये बेलवतिया में पूर्वी चंपारण जिला के पिपराकोठी प्रखंड में, और ये जो है पंडितपुर पंचायत में पड़ता है। और ये कबीर स्तंभ का निर्माण परम पूज हमारे गुरु महंत स्वर्गीय राम सनई साहब जी ने 1999 में इसको बनाकर तैयार किया था। इस तरह की जो है कबीर स्तंभ भारत में 8 है और बिहार में एकलौता ये प्रथम जो है कबीर स्तंभ है। ये जो है कबीर साहब के संबंधित जो है ये कबीर आश्रम है, ये कम से कम 250 वर्ष के लगभग पुराना है। यहाँ जो है कबीर साहब से प्रभावित कुछ लोग थे, संत महापुरुषों ने, जो इसका आश्रम का निर्माण किया था। इस आश्रम का निर्माण करता जो है यहाँ का परम आदरणीय संत केशव बाबा थे। केशव बाबा के गुरु थे छत्र बाबा, जो पंडितपुर के रहने वाले थे। तो वो पंडितपुर से उन्होंने दीक्षित होकर के बेलवतिया में केशव बाबा आए और यहाँ इस मठ का स्थापना कम से कम 17वीं शताब्दी में 1700 से 1800 ईस्वी के आसपास में किया था इन्होंने। तो ये अभी तक जो है हम 8वां यहाँ का जो है संरक्षक हैं। इसके संस्थापक जो है पहले केशव बाबा थे, उसके बाद रिसाल बाबा, समबिहारी बाबा, ब्रह्मदेव बाबा, कमल बाबा, उसके बाद हमारे गुरु महंत राम सनई बाबा के बाद में हम इस संस्था को देख रेख कर रहे हैं। इस संस्था के अंतर्गत कितनी गद्दियाँ हैं और कहाँ कहाँ हैं? ये संस्था के ये प्रथम आचार्य गद्दी है बेलवतिया में। इसका शाखा जो है मथुरा है, गाय घाट में है, उसके बाद जयसिंहपुर में है, लेड़वनिया में है, हरपुर में है, उसके बाद में जो है कोटवा के पास में बरकुरवा है, उसके बाद नेपाल में जो है बुधगाई है, इटियाही है, जुआवा है, और जो है बहुत से जगहों पर है, भूटान में है, और भारत में तो है ये है। तो पूर्वी चंपारण से लेकर के जो है आपका सीतामढ़ी जिला में जो है वहाँ भी है कबीर, यहीं सी मठ का जो है नसीबा गांव है, वहाँ भी है ये कबीर मठ। तो सभी मठ पर जो है जो संत लोग हैं वहाँ तो मठ ठीक ठाक है, जहाँ संत है नहीं तो वहाँ की जनता हावी हो गया है मठ पर। सभी जगह इस तरह से जो है लोगों ने कब्जा कर रखा है। आपने अब तक अभी कोई शिष्य बनाया है कि नहीं? नहीं, मैं तो अपना समय अधिक से अधिक जो है स्टडी में दिया हूँ। ऐसा कोई ऐसा शिष्य हमारे नहीं है जो हमारे बाद में इस गद्दी को संभाल सकेगा। लेकिन ये कबीर साहब की संस्था है, कोई ना कोई महापुरुष आ जाता है। हम तो पढ़ने के लिए आया था, मैं चला गया था, लेकिन कबीर साहब की और यहाँ के महाराज का, संतों का प्रेरणा हुआ, फिर हमको लोगों ने बुलाकर यहाँ पर गद्दी पर बैठाया। लेकिन हमारे गुरुजी ने स्वयं जो है हमको 94 में अपना उत्तराधिकारी कानूनी तौर पर बना दिया था। तो अभी जो है हम ही देख रेख कर रहे हैं। तो ये बताया जाए कि फिर पढ़कर आने के बाद आप मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं? मैं ये मूल रूप इसी मठ कहाँ का, ये इसी पंचायत के बगल में कंछापरा के बगल में सिरसिया मठ बनवारी है, वहाँ के आप रहने वाले हैं मूल रूप से। और अभी फिर इसे यहाँ के मठाधीश हैं, गद्दी संभाल रहे हैं। तो ये बताइए कि इसके अंतर्गत और क्या क्या एक्टिविटी होती है? यहाँ पर जो है साल में 3 बार जो है ऐसे मुख्य रूप से बड़े बड़े समागम होते हैं संतों का। एक तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती होती है जेठ पूर्णिमा को, जून के महीने में, और एक कबीर साहब का निर्वाण दिवस होता है ये एकादशी को, ये माघ महीने के एकादशी शुक्ल पक्ष को। और जो है तीसरा जो है समागम है वो भादो महीना के अनंत चतुर्दशी को होता है ये समागम। तो ये तीन बड़े संत काफ़ी आते हैं? हाँ, जो संत लोग पहले से आते जाते हैं वो लोग अभी आ रहे हैं। पहले तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो लोगों का आना जाना रुक गया था, लेकिन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पर अभी हूँ, तो संत महापुरुष जो है अब यहाँ आना शुरू कर दिया है। भक्त लोग भी जोड़ने लगे हैं। मैं भी चेला से इस लोगों को बनाता हूँ, यहाँ प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग आइए, अपना जीवन को उद्धार कीजिए। आज हैं कल हम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया में तो भटकने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ज्ञान जो है
सेल्फ एक्टिविटी के लिए है, अपने आप को जानने के लिए है। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ईंटा पत्थर में पसान के पूजा में तुम भटक जाओगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होता। शक्कर को जब तक प्रक्रिया में नहीं लाओगे, खाओगे ना, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, सबघट मेरा साइयाँ। लोगों ने पूछा कि सबघट कैसे हम जान जाएं, तो लोगों ने, कबीर साहब ने कहा, देखो परमात्मा कहाँ पर है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। जिस तरह से चकमक पत्थर में आग छिपा रहता है और तिल में तेल छिपा रहता है, लेकिन जब उसको पेरा जाता है तो तेल निकल जाता है, घर्षण किया जाता है तो आग निकल जाता है, ठीक इसी तरह से जब साधना करोगे, ध्यान करोगे, तो तेरे भीतर में छिपा हुआ जो परमात्मा है वो बाहर आ जाएगा, तुम जान जाओगे। जैसे दूध में मक्खन, मक्खन में घी, घी जैसे रहता है, तो उसी तरह से इस तीन हाथ के शरीर में सभी प्रकार के अवगुण भी है, सद्गुण भी है। तो अवगुण को हटा देंगे तो सद्गुण जब उत्पन्न हो जाएगा तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर से ऊपर जागृत हो जाएगा। ये बताइए कि फिर यहाँ पे जो ये मठ है, कबीर जी का जो ध्यान की पद्धति है, सहज योग के बारे में कहा जाता है, तो क्या यहाँ सहज योग करने कोई आना चाहे तो आ सकता है? अभी भी आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई श्रद्धालु हमारे सामने अभी तक कोई आया नहीं है। जो भी आया, खाने पीने के लिए आया, कोई भौतिक संपत्ति के लिए आया, भौतिक वस्तुओं के लिए आया, अध्यात्म का खोज करने वाला कोई मिला नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला न कोई, अच्छा 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होए। जो मिलता है हम ही को सिखाने आता है, हमसे कोई सीखना नहीं चाहता। ये कबीर साहब की शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहते हैं कबीर साहब की, जो आया वो गुरु ही बन करके आता है, शिष्य बन करके आए तब तो कोई सिखाएंगे हम। तो चाहते हैं कि कोई शिष्य बन के आए तो यहाँ व्यवस्था आप कर सकते हैं। श्रद्धालु हो तो उसके लिए गीता में लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होगा, कर्ण जैसा होगा, वो अपने आप प्राप्त कर लेगा। लोग आपको देखें, है ना, आप काफ़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। श्रद्धावानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, जिसके पास श्रद्धा होगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एकलव्य को शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे द्रोणाचार्य, लेकिन उसमें बस श्रद्धा था, भक्ति था, तो उसने मूर्ति से सीख लिया, छिप छिप करके सीख लिया गुरु का ज्ञान। उसी तरह से उसका निष्ठा था कि हम सीखेंगे, तो गुरु नहीं सिखाया तो भी सीख गया। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग विपाशना करने जो है वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, तो क्या आपके यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है कि सहज योग सीखने, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कितने दिन का होता है सहज योग सीखना? ये तो पूरा जीवन की चीज़ ऐसे एक होता होगा ना, 2-4-5 दिन आकर लोग रह कर, कम से कम 1 सप्ताह, 15 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 15 दिन रहेगा, थोड़ा सा द्वार मिल जाएगा, घुसने की रास्ता मिलेगा, पहुँचने की नहीं, मैंने रास्ता मिलेगा कि आप उस पद्धति से धीरे धीरे घुसेंगे तो आपको जो है अपने भीतर जाने की रास्ता मिल जाएगा। तो क्या कोई चार्ज रखे हुए हैं क्या कि इतना रुपये? कोई चार्ज नहीं। तो क्या क्या व्यवस्था आप देंगे कोई आना चाहे? अध्यात्म के क्षेत्र में हमें कोई चार्ज नहीं रखते। यहाँ जो आएगा या स्थान का जो एक्टिविटी है उसमें सहयोग करेगा, यहाँ कुछ विशेष नहीं होता है। यहाँ जो आएंगे, भोजन वस्त्र जो भोजन पानी बनता है उसमें सहयोग देना है, आश्रम में उसको सफाई करना है, समय से पूजा पाठ में भाग लेना है, और साधना का जो समय होता है या तो सुबह ही 4 बजे और फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे से कितने बजे तक? 4 से 5, 1 घंटा जो है ना, सिर्फ स्कूल में पढ़ाता है 1 ही घंटा है उसका, अच्छा। पीरियड होता है, बाकी ये प्रैक्टिस करना है उनका काम होता है। तो हमारा काम है 1 घंटा पद्धति सिखाएंगे, उसको थ्योरी बताएंगे और प्रैक्टिकल बताएंगे, अब बाकी फिर आपके साथ पूरा एक्टिविटी करेंगे, बाकी वो लोग जो है एक्टिविटी करेंगे, साफ सुथरा, वो साफ सफाई जो है वो व्यवस्था करने के बाद अपने एक्टिविटी में जब टाइम मिल जाए लग जाइए। 7 दिनों का 7 से 15 दिन का ये कोर्स है, और भोजन की व्यवस्था उन्हें खुद करनी होगी अपना? नहीं, भोजन आश्रम से मिलेगा, तो उसमें सहयोग करना होगा। हाँ, उसमें किस तरह का सहयोग? जैसे बनाना है, पकाना है, रोटी बनाना है, साफ सफाई करना है, बर्तन का मलना, खरीद के कुछ नहीं ना लाना होगा? नहीं, मतलब सहयोग अपने से करना चाहे तो कर सकते हैं, स्व इच्छा से करना चाहे दे सकता है, दान में तो दे सकता है, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है रहने के लिए, खाने पीने के लिए? कमरा है, भोजन है, उसके बाद में यहाँ लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसके बाद पास में लेट्रिन बाथरूम है, स्नान ध्यान के लिए है, सभी व्यवस्था फ्री है।
अच्छा, तो सभी व्यवस्था फ्री है, कोई भी आए आकर इसे करना चाहे, करके रहना चाहे तो रह सकता है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कबीरपंथी भी होना चाहिए? ऐसा नहीं, कबीर साहब में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, कबीर साहब के ज्ञान से जिसको चाहिए वो ले सकता है, आ सकता है, ले सकता है। तो देखिए भाई, पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है बिहार का एकमात्र जो है वो कबीर जी का जो है कबीर स्तंभ है, और ये कबीर जी का पूरा मठ है। इसके अंतर्गत 52 गद्दियाँ आती हैं, और 52 गद्दियों के 52 झोपड़ा उसको कहते हैं कबीर पंथी शब्द में, उसको आप ब्रांच कह सकते हैं, शाखा कह सकते हैं, जो कि बिहार, भूटान, भारत के विभिन्न हिस्सों में, भूटान में, नेपाल में जो है वो फैले हुए हैं। और उन 52 गद्दियों के जो है गद्दाधीश जिसको कह सकते हैं, या फिर मठाधीश कह सकते हैं, या फिर उसके देख रेख करने वाले जो हैं डॉक्टर त्रिपुरान जी हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि कोई भी कबीर पंथ का सहज योग करना चाहे तो आकर यहाँ पे 15 दिन का सहज योग कर सकते हैं, और ये तमाम तरह की सुविधा जिन्होंने बताई ये सुविधा ये देंगे। फिलहाल पूर्वी चंपारण से नकुल कुमार, लोकल 18।